Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 6. Today we will do exercise 5.3. Let's start, students. Now students, question number 1. The Venn diagram shows the element in set U and A and the list all the element of U and A respectively. ये हमें सेट्स की ना डायग्राम दी गई है, ठीक है। इसमें से हमने जो है ना वो एलिमेंट्स को जो है ना वो लिस्ट करना है, ठीक। हमने इधर सेट यू के भी एलिमेंट्स लिखने हैं और सेट ए के भी। देखिए सेट ए जो है ना इस सर्कल के अंदर है और ये यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो इसके अंदर है, ठीक। स्टूडेंट्स ये अब जो सेट है ना डायग्राम के थ्रू जो है ना वो रिप्रेजेंट हुआ है इस एक्सरसाइज में, ठीक। तो हम इधर ईजिली जो है ना वो इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इनको आपने इस तरह सेट में लिखना है, ठीक है। पहले इधर आ गया गोट, नेक्स्ट है हैन, कैट एंड डॉग, ठीक। अब हमने जो है ना उन्होंने यू भी बोला हुआ है और ए भी बोला हुआ है, ठीक है। अब हमने जो है ना वो सेट ए लिखना है, ठीक है। सिंपल हैन, कैट एंड डॉग, ठीक। स्टूडेंट्स बस हमने यही राइट डाउन करना है एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये देखें ये सर्कल के अंदर ये ए और यू ये सब चारों एलिमेंट्स, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। इट इज गिवन दैट यू ए सी डी ई एफ आई जी ओ एच यू एन एक्स ए ई आई ओ यू एंड वाई इज सी डी। ड्रा अ वेन डायग्राम टू शो द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहले हमें जो थी ना वेन डायग्राम दी गई थी क्वेश्चन नंबर 1 में और हमने एलिमेंट्स राइट डाउन की। अब हमें जो है ना वो एलिमेंट्स दिए गए हैं और कहा है कि वेन डायग्राम जो है ना वो राइट डाउन करें, ठीक है। अब इधर दो सेट्स दिए गए हुए हैं, ठीक है, एक्स और वाई। और एक्स और वाई के ये आप एलिमेंट्स देखें तो ये सब जो है ना इसके अंदर यू के अंदर है, ठीक है। यू यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो इसको फिर हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। ये हमने पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया है, ठीक है। दिस इज इन रेक्टेंगल शेप और फिर हमने इसके अंदर जो है ना एक्स और वाई को जो है ना वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपने सर्कल में बना लेना है। इसमें आपने एक्स के एलिमेंट्स राइट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। एक्स के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू और इधर वाई के एलिमेंट्स हैं सी एन डी, ठीक। स्टूडेंट्स इधर वाई के एलिमेंट्स हैं ए ई आई वाई के एलिमेंट, जी स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हमने यू लिखने हैं, ठीक है। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना ये U के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये A E I O U C D, ये U भी इसके अंदर जो है ना ये जो दोनों X और Y हैं ये U के अंदर है, ठीक है। ये हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट्स रह गए हैं ना वो आप इधर राइट डाउन कर लें, ठीक है। C भी आ गया, D भी आ गया, E भी आ गया, F नहीं आया, ठीक है। F हो गया, I भी हो गया, G नहीं आया, ठीक। और H और U भी आ गया, ठीक है। ये U के अंदर, ठीक। स्टूडेंट्स ये हमने इसके जो है ना वेन डायग्राम के अंदर जो है ना वो एलिमेंट्स भी राइट डाउन कर दिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। इट इज गिवन दैट यू इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 and 11 एंड बी इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ड्रा अ वेन डायग्राम टू शो द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमने बतानी है, ठीक। इधर आगे हमारे पास जो है ना सेट ए का जो है ना वो सेट क्या है। अगर आप इसको राइट डाउन भी करना चाहें तो इनको लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ रही है बात तो आप इसको डायरेक्ट भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक। स्टूडेंट्स ये इधर आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 and 11। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं 7, 8 and 9, ठीक। स्टूडेंट्स 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। ये हमारा सेट ए हो गया। इसमें 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये आगे क्योंकि ये इसके बिटवीन है 6 से लेकर 11 के बिटवीन, ठीक। अब सेट बी जो है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स आपको पता है वो सिर्फ 2 है, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक। अब यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पूरा जो है ना वो यू है, ठीक है। यू है हमारे पास जो है ना नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है। इट्स मीन्स के ये 1 से स्टार्ट होके 14 तक है। जितने आप डिजिट्स इधर लिखे हुए वो नहीं आपने लिखने, बाकी आपने सब राइट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। 1, 2 इधर लिखा हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर है और उसके बाद 11 12, 13 and 14। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमने इसको राइट डाउन कर लिया। ये हमारे पास आ गया ए। पहले आपने ए लिख लेना है, बी लिख लेना है और फिर जो यू यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से आपने जो इधर नहीं लिखेंगे वो आपने सारे लिख लेने हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द वेन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ईच सेट। ठीक है, इस वेन डायग्राम को आपने रीड करना है और इसके जो है ना एलिमेंट्स की जो है ना वो लिस्ट आउट करना है। ठीक, इधर हमने लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, ए देखें बी जो है ना वो ए के अंदर ही है। ठीक है, तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हमने ए लिखा और बी देखें, बी में 1, 3, 5 ओनली। ठीक है, ये हमारे पास 1, 3 एंड 5। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने इसके जो है ना वो एलिमेंट्स राइट डाउन कर लिए। ठीक है, इस तरह हम जो है ना इसकी सेट्स की वेन डायग्राम की जो है ना इससे हमारी उसको रीड करके सेट्स लिखने की प्रैक्टिस है ये। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी में हमने राइट डाउन करना है। ठीक है, पहले जो है ना वो आप यू लिख लें। ठीक है, इधर यू भी है, यू में देखें ये सब एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, 2, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, उसके बाद आया 13। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना वो यू आ गया। उसके बाद आपने लिखना है ए। ठीक है, ए जो है ना वो आया 13 एंड 7। फिर हमारे पास आ गया बी, ये आया 2 एंड 4। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। बस हमने इसमें से एलिमेंट्स देख के ना वो राइट डाउन करनी है। क्लियर कट है, ये बी में 2 एलिमेंट्स हैं, ए के भी ये 2 एलिमेंट्स और यू में ये सब इंक्लूडेड होंगे। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, इधर आ गया एक्स। ठीक है, और वाई का हमने लिखना है। ठीक है, एक्स है 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, वाई है हमारे पास एम्प्टी सेट। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इट इज गिवन दैट ए सेट में नदीम, नीलम, नौरीन एंड निमरा एंड बी सेट में नीलम एंड नौरीन। देन ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी। ठीक है, अब हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और इन सेट्स को जो है ना ए एंड बी को जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ए में कौन कौन है, पहले ए बी इसके अंदर है ना, ए के अंदर है ना, पहले आप ये राइट डाउन कर लें, बी राइट डाउन कर लें। ठीक है, ये है नीलम एंड नौरीन। ठीक है, अब इधर से जो लेफ्ट रह गए ए के अंदर वो आप इधर लिख लें। ठीक है, ये इधर आ गया नदीम एंड निमरा। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने जो थे ना इनको राइट डाउन कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। Students, this is very simple exercise. Now it's finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much, students, for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.